Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. डांडिया, उसने एक न्यूसेंस क्रिएट की। हालांकि मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत की मीडिया का, उसने उसके वीडियो को तवज्जो नहीं दिया। उस अभी डांडिया ने न्यूसेंस करने की कोशिश की, भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। फेसबुक पर उसने भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, यूट्यूब पर उसने भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की कि जो ये पुलवामा हमला हुआ है ये भारत सरकार की ही साजिश है। मैं हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी, चंडीगढ़ के डीजीपी और खासकर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मांग करता हूं कि अभी डांडिया के खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मामला और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत बड़ी बदनामी। और उस वीडियो को कम से कम 125 करोड़ लोग अब तक देख चुके हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो पुलवामा सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का कारण भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार को बता रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? उनकी प्लानिंग क्या है? उनकी सोच क्या है? उनका विजन क्या है? इन सब बातों पर मुकदमा दर्ज हो गया। अभी डांडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होके उसको इंटरोगेट किया जाए, उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन हो। वो वीडियो उसको कहां से बनाया गया, कहां से उसने कुछ वीडियो जो जारी की उसमें हमारे देश के कुछ वजीरों की आवाज दर्शाई गई, वो कहां से प्रिपेयर हुई, कहां बनाई, किस स्टूडियो में बैठ के बनाई और उसके साथ शामिल है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन टीम सामने लेके आया। और मैं तो मांग करूंगा कि इस इश्यू को, अभी डांडिया के इश्यू को जो उसने एक वीडियो वायरल की है जिसको 125 करोड़ लोग देख चुके हैं, जो भारत सरकार के खिलाफ है, पुलवामा हमला को भारत सरकार की साजिश बताया जा रहा है, शर्म करनी चाहिए ऐसे अभी डांडिया को। ये देशद्रोही पाकिस्तान का बीज लगता है, पाकिस्तान की लश्कर ए तैयबा का बीज लगता है, जैश ए मोहम्मद का बीज लगता है। ये सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता।